आई इंडिया की खबर का हुआ असर। खैराबाद के इंदिरा पार्क की बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य फिर हुआ शुरू। नागरिकों ने आई इंडिया को दिया धन्यवाद। बता दें कि बीती 1 सितंबर को एसडीएम सदर अमित भट्ट ने पार्क में चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने इंदिरा पार्क की बाउंड्री वॉल को तत्काल बनवाए जाने के निर्देश एमआर कंस्ट्रक्शंस के ठेकेदार को दिए थे, लेकिन यहां के एक निवासी ने पार्क में अपनी दुकान बताकर कार्य को रुकवा दिया था, जिससे नाराज होकर स्थानीय नागरिकों ने शांति मार्च भी निकाला था और सभासद लक्ष्मी गुप्ता के नेतृत्व में महिलाओं व बच्चों ने धरना भी दिया था। इसके बाद नगर पालिका ईओ हृदयानंद उपाध्याय ने ठेकेदार को नोटिस भी दी, जिसकी खबर आई इंडिया ने प्रमुखता से चलाई थी। खबर चलने के बाद रविवार को बाउंड्री निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। सभासद प्रतिनिधि ने कहा कि बाउंड्री निर्माण के बाद पार्क में इंटरलॉकिंग बेंच, रंग बिरंगी लाइटें लगवाई जाएंगी। स्थानीय नागरिकों माया देवी, राम आश्रय गुप्ता, सोमेंद्र तिवारी, आदित्य जायसवाल, सुधीर कुमार आदि ने आई इंडिया को धन्यवाद देते हुए हर्ष व्यक्त किया है। नगर पालिका परिषद हैदराबाद अंतर्गत वार्ड कटरा में स्थित इंदिरा पार्क का है, जिसमें शहरियों के द्वारा बाउंड्री का निर्माण कार्य चल रहा था। परंतु चिल्लाएं सुनाए निवासी अजमत अली पुत्र रहमत अली द्वारा अपनी पार्क के अंदर अपनी जगह बताते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया था, जिसे एसडीएम साहब एवं ईओ साहब के द्वारा पुनः निर्माण कार्य चालू करवा दिया गया। आई इंडिया के अथक प्रयासों द्वारा ये कार्य सफल हो पाया है। मैं अपनी ओर से एवं आम जनता की ओर से आई इंडिया को एवं साथ में लगे सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं कौस्तुभ गुप्ता, निवासी अर्जुनपुर। इंदिरा पार्क का मसला, जो बाउंड्री वॉल रुकवा दी गई थी, उसको पुनः उसका कार्य शुरू करा गया है। इसके लिए आई इंडिया ने पुरजोर लगाया हुआ है और जिसके अथक प्रयासों द्वारा ये मामला एसडीएम साहब और ईओ साहब ने संज्ञान में लिया और पार्क का निर्माण पुनः शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मैं आई इंडिया को धन्यवाद करता हूँ। मैं शंकर गुप्ता, मोहल्ला कटरा वार्ड का निवासी हूँ। यहाँ पे कुछ समय पहले अभी ये अजमत अली ने जो कब्जा दिखा रहे थे यहाँ पे पार्क में, वो प्रशासन की मतलब कि आई इंडिया की दिखाया, अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित किया, जो प्रशासन जागा और पुनः काम यहाँ प्रारंभ हुआ, जिससे इसके तहत यहाँ के तमाम बच्चे और बुजुर्ग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं आई इंडिया को दिल से कोट कोट धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने अपने माध्यम से यहाँ प्रकाशित किया है। इसके लिए मैं कोट कोट कहूँगा। मेरा नाम सुधीर कुमार गौड़, मोहल्ला अर्जुनपुर नेहरजा निवासी हूँ। अभी इंदिरा पार्क का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि कुछ व्यवधान के कारण रोक दिया गया था, क्योंकि अजमत अली निवासी चिल्लासराय, उन्होंने कुछ व्यवधान उत्पन्न किया था, जो कि कार्य रोक दिया गया था। इसमें आई इंडिया न्यूज चैनल और समस्त मीडिया कर्मियों के द्वारा जो अथक प्रयास किए गए और आम जनता के द्वारा जो आंदोलन किया गया, आई इंडिया टीवी ने उसको सरमाथे पे लेते हुए उसका प्रसारण और प्रचार प्रसार करते हुए, जिसका सबसे अत्यधिक महत्व नगर पालिका प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों पर पड़ा, जो कि कार्य निर्माण का रुक गया था, उसको पुनः शुरू किया गया और आज इसका बाउंड्री वॉल तैयार किया जा रहा है। मैं ताराचंद चौरसिया है, मैं मोहल्ला कटरा वार्ड का रहने वाला हूं और हमारे पार्क में पड़ोस के दुकानदार ने जो है अपनी कब्जियत दिखा रहा था कि ये हमारी हमारा कब्जा है, तो इस बात के लिए आई इंडिया चैनल ने इस बात को अपने न्यूज चैनल पर मुख्य रूप से प्रकाशित किया, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से प्रशासन जागा और यहाँ पे पुनः कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए सबको बधाई देते हैं। खैराबाद नगर का लगभग 85 वर्ष पुराना इंदिरा पार्क, जिसमें नगर पालिका द्वारा 14वें वित्त से कार्य कराया जा रहा था, जिसको लेकर के पड़ोस के दुकानदार ने पार्क के अंदर अपनी जमीन होना बताया। आई इंडिया ने इस खबर को
प्रमुखता से हर बिंदु को लेते हुए प्रकाशित किया, जिसको नगरपालिका प्रशासन व तहसील प्रशासन ने संज्ञान में लिया। दो दिन पूर्व एसडीएम सदर अमित भट्ट व अशासी अधिकारी अदयानंद उपाध्याय ने आकर के मौके पर अभिलेखों की जांच की और आज इंदिरा पार्क का काम पुनः चालू करा दिया गया है। आई इंडिया के लिए खैराबाद से धीरज शुक्ला। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।